सकते हैं बेटा, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क को ही समझेंगे, वर्क। इन फिजिक्स वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव, व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव। या देर इज डिस्प्लेसमेंट, और देर इज डिस्प्लेसमेंट। बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क नहीं हो सकता। अब वर्क डन, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है एफ डॉट एस। देखो बेटा, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर है, तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे वर्क डन के लिए। एफ इसमें फोर्स है, एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा, थीटा जो है एंगल बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब ये आपको कुछ, वैसे तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा और अच्छी तरह से। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक बॉडी है, उसको 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस प्रकार, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ है। पूछ रहा है फाइंड वर्क डन, पूछ रहा है फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स 50 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, और बेटा एंगल को ध्यान दें, एंगल ये जो हमें दे रखा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का नहीं दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो एफ एस कॉस 60, तो 500 इंटू 10 इंटू हाफ, ये आ गया 250। और वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। अभी आपको यूनिट के बारे में समझा देता हूँ, यूनिट के बारे में समझ लेते हैं। जूल मैंने क्यों लिखी, बच्चों को पहले पता होती है इसलिए मैंने बताई नहीं थी, लेकिन बता देता हूँ। यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट होती है एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो यूनिट क्या होगी, फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो वर्क हो जाता है 1 जूल। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces displaces a body by 1 meter, then work is said to be 1 joule। और ये SI यूनिट है जूल, CGS यूनिट होती है अर्ग, CGS यूनिट अर्ग होती है। और 1 अर्ग जो होता है वो होता है 1 dyne into 1 centimeter। क्या कहते हैं, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 dyne, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 dyne डिस्प्लेसेस अ बॉडी, डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 centimeter, देन
वर्क डन इज वन अर्ग। तो अब देखते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क, वन जूल होता है वन न्यूटन इंटू वन मीटर। तो वन जूल को लिख सकते हैं हम 10^5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल हो गया 10^5 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल हो गया 10^7 अर्क। तो जूल और अर्क में जो रिलेशन होती है वो होती है बेटा 10^7 अर्क। देखते हैं अ फोर्स 2i + j + k displaces a body from point 1, 2, 1 to 2, 3, 4. फाइंड वर्क डन। तो 1, 2, 1 से बॉडी जा रही है 2, 3, 4। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो होता हमने पढ़ा है x2 - x1i + y2 - y1j + z2 - z1k। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 2 - 1i, 3 - 2j + 4 - 1k। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा i + j + 3k। और वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है F.S। तो F है 2i + j + k और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है i + j + 3k। तो हमको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं 2, j को j से मल्टीप्लाई करते हैं 1, k को k से मल्टीप्लाई करते हैं 3। तो वर्क डन हो जाएगा 6 जूल। तो इस तरीके से हम अगर फोर्स का वेक्टर दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन दे रखी है तो हम डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकाल करके फोर्स के वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट करके वर्क डन निकाल सकते हैं। कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जैसे ये जो है ये ग्राफ है, ऊपर का एरिया A1 है, नीचे का एरिया A2 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। तो वर्क डन हो जाएगा A1 - A2। सपोज हमको ऐसा ग्राफ दे रखा है फाइव टेन वन टू थ्री फोर फाइव और ये जो वैल्यू है ये 5 है -5। तो हमको इसका ग्राफ का निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का ग्राफ दे रखा है। तो हमको वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले हम ऊपर का एरिया निकालेंगे। इसका एरिया होगा 1/2 * बेस * हाइट।
इसका एरिया होगा, ये एक रेक्टेंगल है, इसका वेरी एरिया होगा 1 × 5 प्लस, ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स हैं 5 और 10 और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है 1। फिर एक ट्राइंगल है हाफ इंटू 1 × 10, तो ये ऊपर का एरिया आ गया A1, तो A1 हो जाएगा तुम्हारा 5/2 प्लस 5 प्लस 15/2 प्लस 5, तो एरिया टोटल आ जाएगा 2, एलसीएम ले लिया, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, तो एरिया कितना आ गया 25 प्लस 15 यानी कि 40/2 यानी कि 20, और नीचे का एरिया कितना आ गया A2 आ गया इसका एरिया 1 × 5 5, तो वर्क डन हो जाएगा ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया, क्योंकि ऊपर का वर्क डन पॉजिटिव है और क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो नीचे का वर्क डन नेगेटिव है, तो अपर एरिया माइनस लोअर एरिया यानी कि 20 - 5 इज इक्वल टू 15 जूल। तो इस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया से हम वर्क निकाल सकते हैं, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, इस तरीके से हमें वर्क मिल जाता है। इफ फोर्स इज वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल, वर्क डन इज फाउंड बाय इंटीग्रेशन, क्यों वर्क डन इंटीग्रेशन से क्यों करना पड़ेगा? देखो सपोज ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, फोर्स वेरिएबल है तो ये वेरिएबल है, हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो हमें वर्क मिल जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का एरिया निकालने का मतलब क्या होता है? ग्राफ का एरिया निकालने का मतलब इंटीग्रेशन ही तो होता है, तो अगर हमें इस फोर्स की इक्वेशन पता है तो हम वर्क ऐसे निकाल सकते हैं FTX, एक्चुअली यहाँ पर कुछ FV की वैल्यू होगी, हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया DX, हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ DX, डिस्टेंस स्मॉल मान लिया, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा FDX, तो FDX विल गिव यू वर्क, और अगर हम लिमिट में सॉल्व करें X1 से X2 तो हमें इस ग्राफ का टोटल एरिया मिल जाएगा, यानी हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। एक एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी आपको, क्वेश्चन देखते हैं। इफ फोर्स इज गिवन बाय, इफ फोर्स इज गिवन बाय 7 - 2x + x² फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम x = 1 to x = 2। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है x = 1 और एंड पॉइंट क्या है x = 2, और हमें फोर्स का फंक्शन दे रखा है, फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन के लिए बहुत सिंपल सही कॉन्सेप्ट है 7 - 2x + x² बेटा, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन की वीडियो देखें। तो x = 1 से x = 2, देखो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता तो मैं यहीं सिखा सकता हूँ, 7x की पावर 0 लिख लो इसके साथ, x की पावर 0 1 होता कोई फर्क तो पड़ा नहीं, -2x की पावर 1 + x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन देखो आपको याद हो
एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यानी करना क्या होता है इंटीग्रेशन में, पावर में वन ऐड कर देते हैं और फिर उस पावर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ करके देखते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो आएगा आपका 7। एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 में वन ऐड करेंगे तो वन अपॉन वन माइनस टू। एक्स की पावर 1 है तो उसमें वन ऐड करेंगे तो एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3। कुछ नहीं करना होता इंटीग्रेशन, कोई टफ चीज़ नहीं होती, पावर में वन ऐड कर देते हैं और फिर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है इसलिए डी एक्स दिया हुआ, यानी एक्स वेरिएबल है तो इसलिए एक्स का इंटीग्रेशन किया है। लिमिट क्या है, 1 से लेकर 2। लिमिट रखना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता, इससे सिंपल काम कोई होता है। यहाँ पर 2 काट तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा, तो वर्क डन हो जाएगा 7 7 इंटू 2। पहले एक्स की जगह 2 रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, फिर एक्स की जगह 1 रखेंगे, 7 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3। कुछ नहीं करना होता है इंटीग्रेशन में, पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख दो, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दो। ऐसे कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के लिए आपको बस ये लिमिट रखना और इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अब देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है। अब देखिए पहला था 7 इंटू 2, दोबारा से लिख देता हूँ, माइनस 4 प्लस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3। को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया बेटा आपका 14 माइनस 4 प्लस 8/3 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 1/3। सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, इसको ऐसे लिख लो आगे, 14 माइनस 4 10 हो गया, 10 प्लस 8/3 माइनस 7 7 माइनस 1 6 हो गया, तो ये -6 आ गया -1/3। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा, 10 माइनस 6 4 हो गया प्लस 8/3 -1/3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया, 4 3 12 प्लस 8 माइनस 1। सॉल्व करके हम देखेंगे 12 प्लस 8 20 -1 19/3 जूल आ गया। तो इस तरीके से हम अगर फोर्थ वेरिएबल, अब देखते हैं बेटा वर्क डन, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है जीरो होता है। तो आपने क्या पढ़ा है, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा। सपोज थीटा 90 से कम है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल किया था उसमें हमने वर्क डन निकाला था वो पॉजिटिव आया था। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं अ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, एक बॉडी जो है ग्रेविटी में गिर रही है तो बेटा वेट नीचे लगेगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा मान लो एच। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे हम, जरा सोच के बताओ बेटा। फोर्स एम जी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो जीरो नहीं हो गया, वेट वेक्टर है एम जी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, तो एम जी एच। तो वर्क डन जो है वो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा इस केस में। अब देखते हैं नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन देखो बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला फिर लिख लिया एफ एस कॉस थीटा। सपोज थीटा जो है
वो 180 और 90 के बीच में है, 90 से बड़ा है और 180 के बराबर है। इफ तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कितना आता है? ASTC, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव होता है। तो 90 से लेके 180 तक कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वर्क डन भी नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, बॉडी को ऊपर फेंका मैंने, ये बॉडी है इसको ऊपर फेंका, मान लो एयर हाइट चली गई ऊपर, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, फोर्स वेट तो नीचे लगेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है? 180 नहीं हो गया? तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, फोर्स की जगह एम जी आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह एच आ गया, थीटा की जगह 180 आ गया। कॉस 180 क्या होता है? -1। तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है नहीं आ रही है? नेगेटिव आ गई एम जी एच। तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक कोई बॉडी है 10 किलोग्राम की और मैं इसको खींच रहा हूं, फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, एस डिस्प्लेसमेंट है और फ्रिक्शन इधर है। तो बेटा एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू 180। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? एफ एस कॉस 180, कॉस 180 माइनस में तो नेगेटिव आ गया। लेकिन ध्यान रखना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। सोचो कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में जाए, हो सकता है, सोच के देखना, फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव है। जीरो वर्क डन क्या होता है? जीरो वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। जीरो वर्क डन हमने देखा, अगर एफ एस कॉस थीटा वर्क होता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या थीटा 90 हो, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुली स्टैंडिंग विथ अ लोड ऑन इज हेड, एक कुली लोड लेके खड़ा हुआ है ऑन इज हेड, क्या वो कोई काम कर रहा है? एक कुली सर पे सामान रख के खड़ा है, तो खड़ा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क जीरो हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए। अकुली विथ अ लोड, अकुली अकुली विथ अ लोड ऑन इज हैंड इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। एक कुली जो है लोड लेके सर पे सामान रख करके और आगे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट यूं है, तो वेट तो नीचे लगेगा। ध्यान रखें, सारी फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं होगा, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो नहीं होगा अगर, लेकिन वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां वेट है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे, तो वो हो जाएगा एम जी एस कॉस 90, तो वर्क डन जीरो आएगा। और देखते हैं, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स,
वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा? जैसे बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना है 90, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो वर्क डन आ जाएगा एफ एस कॉस 90, तो जीरो हो गया। तो जीरो वर्क डन के बहुत केस हैं। एक और केस देखते हैं जीरो वर्क डन का। जैसे एक पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है, एक पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है ऐसे, तो टेंशन जो होगी वो इधर होगी धागे में, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी होती है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। एक तरह से देखा जाए तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स ही है, तो ये एंगल कितना बन रहा है 90, तो वर्क डन बाय टेंशन इस केस में क्या हो गया टी एस कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो वर्क डन जीरो हो गया। तो मैंने आपको वर्क डन के केसेस बताए कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है।